दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले 25 और 26 मार्च को आपातकालीन सेवा में तैनात चिकित्सकों के साथ धक्का मुक्की की गई थी। बाहरी लोगों ने इलाज कराने के दौरान डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार की और धक्का मुक्की की। वह इस मामले में अब तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के विरोध में पीजीएमएच के डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन ओपीडी कार्य का बहिष्कार कर दिया है। डॉक्टरों की मांग है कि जब घटना हुई उसके बाद डॉक्टरों को आश्वासन दिया गया था कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको देखते हुए डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर ओपीडी सेवाएं बंद कर दी है। जी 26 तारीख को मेरे साथ कुछ परिजनों ने अभद्र व्यवहार किया, उसके चलते मैंने सुप्रिंट सर को और जो टाउन थाना इंचार्ज को उस बारे में मैंने बता दिया था। तो उस चीज़ के लिए मैंने लिखित एप्लीकेशन भी दिया था, आवेदन भी दिया था कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा जाए और हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो उस बात को 16 दिन हो चुके हैं, लगातार कंप्लेंट करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई हुई नहीं, कोई संतोषजनक आंसर नहीं मिला मेरे को। तो इसीलिए हम लोगों ने विवश होकर के ओपीडी बंद करने का निर्णय लिया। कल भी आए थे, फिर आज भी आए, आज भी नहीं हो पाए। क्या स्थिति देख रहे हैं? दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है, रोज दिन आते हैं जाते हैं, भाड़ा भी लगता है और काम भी मैंने नहीं बन रहा है। डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर से तो दिखाए नहीं। सही है भैया, ठीक है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है राकेश कुमार दुमका से। राकेश, पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला ये है कि जो ये जो फूलो झानो मेडिकल हॉस्पिटल जो है दुमका का, वह 25 और 26 को जो है, यानी 25 के रात में और 26 को जो है सुबह में, यहाँ एक मामला जो हुआ था, कुछ पेशेंट का गार्जियन लोग जो है कुछ बदतमीजी जो है डॉक्टर लोग से किए थे और धक्का मुक्की भी, उसी को लेकर उस दिन जो है एक अप्लीकेशन जो थाना में दिया गया था, वहां से जो है पुलिस आने के बाद जो है वह उसे आश्वासन दिया गया था डॉक्टर को कि ठीक है इसकी जो है जांच करके जो उस पर कार्रवाई किया जाए, लेकिन 15 रोज बीत जाने के बाद भी कोई जब कार्रवाई नहीं हुआ तो आज जो है डॉक्टर लोग जो है ओपीडी को बंद कर दिया गया और जो है मांग करने लगे कि जब तक उस आदमी को जो है नहीं कार्रवाई होता है तब तक जो है ओपीडी का ताला जो है नहीं खुलेगा। जी राकेश, अभी जो है वहाँ अभी वर्तमान स्थिति क्या है? क्या आप प्रदर्शन कर रहे हैं या वहाँ कोई प्रशासन का कोई आला अधिकारी पहुँचा है? जी मैं बता दूं कि पुलिस जो है पहुंची हुई और बातचीत जो है हो रही है। जी डॉक्टर की तरफ से क्या मांग की जा रही है? डॉक्टर की तरफ से मांग ये है कि जब तक उस लोग के ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाता है तब तक जो ओपीडी का ताला नहीं खुलेगा। जी राकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के साथ धक्का मुक्की की गई, जिसको लेकर डॉक्टर जो है वो पहले भी कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि कार्रवाई की जाए प्रशासन की तरफ से, लेकिन प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया कि जो जिन लोगों ने धक्का मुक्की की थी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो उसके बाद फिर से जो है डॉक्टर वहां पर बैठे हैं, ओपीडी सेवा उन्होंने बंद करके वहां पर अपनी मांगों को लेकर वो धरना दे रहे हैं, बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो उसके बाद वहां पर प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे हैं और प्रशासन के आला अधिकारी और डॉक्टरों के बीच बातचीत जारी है।